नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा मैं आपके लिए लाया हूँ ज्योग्राफी सीरीज, और हमारी चल रही है इंडियन ज्योग्राफी। तो लास्ट क्लास में हमने इंडिया के प्लेन्स देख लिए थे, अब आते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत के ड्रेनेज सिस्टम को समझने से पहले ये समझते हैं इस ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है। ड्रेनेज सिस्टम इज बेसिकली रिवर सिस्टम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का या रीजन का रिवर सिस्टम को ही बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो इन इंडिया देयर आर मैनी रिवर्स ऑल थैंक्स टू द थर्ड पोल। अब आप कहेंगे सर ये थर्ड पोल क्या है? थर्ड पोल है जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हिमालयास, हिंदू कुश एंड पामेर प्लेट्यू, दिस इज रिफर टू द थर्ड पोल एंड दिस ग्लेशियर फेड द हिमालयन रिवर्स। एंड बेस्ड ऑन ड्रेनेज देर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। पहला है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम्स की हमारी मेन रिवर है इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर, जबकि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की हमारी मेन रिवर्स हैं गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। एंड बेस्ड ऑन द फ्लो इंडियन रिवर्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। तो ये हमारी लाल लाइन है डिवीजन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की ईस्टवर्ड फ्लोइंग और वेस्टवर्ड फ्लोइंग को रिवर्स को डिवाइड कर रही है ये लाइन। जैसे हमारी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे गंगा है, यमुना है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा, कावेरी, जबकि वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो हमने लाल लाइन ड्रॉ करी है ये है वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया, जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स को वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स से डिवाइड करता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन समझते हैं हम। तो इस हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन के रिलेटेड काफी थ्योरीज हैं, जिसमें से वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि देयर वाज अ सिंगल रिवर्स इन दिस एंटायर रीजन नोन एज इंडो ब्रह्म और शिवालिक। मतलब ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को मिलाकर यहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम था इंडो ब्रह्म रिवर या शिवालिक रिवर। सो देयर इज वन सिंगल रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेचिंग द हिमालयास, जिसका नाम था इंडो ब्रह्म और शिवालिक रिवर्स। फिर ये जो रिवर सिस्टम था इसको डिस्टर्ब किया तीन मेजर इवेंट से। पहला, जो वेस्टर्न हिमालयास हैं इनकी हाइट बढ़ने लगी थी कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयास। तो मोर राइजिंग ऑफ वेस्टर्न हिमालयास इज द फर्स्ट रीजन फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस अर्लियर ड्रेनेज सिस्टम। और दूसरा था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ पोतवार प्लेट्यू एंड दिल्ली रिज। तो पोतवार प्लेट्यू भारत और पाकिस्तान के बीच का ये प्लेट्यू, इसका अपलिफ्टमेंट हो गया था, अपलिफ्टमेंट ऑफ पोतवार प्लेट्यू एंड दिल्ली रिज। और ये दिल्ली रिज है, इसकी भी जो हाइट है वो बढ़ने लगी थी। तो सेकेंड रीजन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ पोतवार प्लेट्यू एंड दिल्ली रिज। एंड थर्ड रीजन इज डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप, ये जो गारो राजमहल गैप था इसका जो हाइट है वो कम होने लगी थी, डाउन थ्रस्ट होने लगा था। सो थर्ड इज डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप, इस मालदा गैप की हाइट कम हो रही थी, सबमर्ज हो रहा था। सो द थर्ड रीजन इज डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप। तो ये तीन रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जैसे ये हिमालयास ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो जो रिवर्स थी उनका फ्लो इधर हो गया बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ हिमालयास। देन दिस अपलिफ्टमेंट ऑफ दिल्ली रिज एंड पोतवार प्लेट्यू डिवाइडेड दिस रिवर सिस्टम, एक रिवर सिस्टम यहाँ चला गया और दूसरा यहाँ चला गया। तो ये दो रिवर सिस्टम में डिवाइड हो गया बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम बिकॉज ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोतवार प्लेट्यू दिल्ली रिज। देन थर्ड डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप की वजह से जो गंगा रिवर सिस्टम है उसका फ्लो यहाँ पे हो गया बे ऑफ बंगाल की तरफ बिकॉज ऑफ द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप। सो दीज आर द थ्री मेन इवेंट्स विच डिस्टर्ब द अर्लियर ड्रेनेज सिस्टम। और जो इंडो ब्रह्म और शिवालिक जो एक नदी थी अब उसके तीन ड्रेनेज सिस्टम बन गए।
इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। चलिए देखते हैं नोट्स में द इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को। वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी रिगार्डिंग इवोल्यूशन प्रपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल रिवर अलोंग द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हिमालयस फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जिसको हम बोलते थे इंडो ब्रह्म और शिवालिक रिवर, विच ड्रेन्ड इन गल्फ ऑफ सिंध। और ये डिस्टर्ब हुआ तीन मेजर इवेंट से, मोर राइजिंग ऑफ वेस्टर्न हिमालयस, अपलिफ्टमेंट ऑफ कोतवाल प्लेट्यू इन दिल्ली रिज एंड डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप। तो जिसकी वजह से जो एंटायर रिवर सिस्टम था वो तीन भाग में डिवाइड हो गया, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए अब देखते हैं पेनिनसुला रिवर सिस्टम का एवोल्यूशन, ये पेनिनसुला रिवर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। तो एज सच कोई क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम। और थ्योरीज हैं कि जो वेस्टर्न घाट है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो अरेबियन सी है, इसमें सबमर्ज हो गया था। तो बिफोर सबमर्जेंस वेस्टर्न घाट एक्सटेंड्स टिल दिस पार्ट वॉज सबमर्ज्ड इन अरेबियन सी। तो सबसे पहले हुआ सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट बिलो द सी लेवल, जिसकी वजह से पहले क्या था जो वेस्टर्न घाट है उनका अलाइनमेंट ऐसा था, बट आफ्टर सबमर्जेंस ये अलाइनमेंट स्टीप हो गया और जो रिवर्स है उनका डिस्टेंस भी कम हो गया। पहले जो ये रिवर्स यहाँ तक फ्लो करके जाती थी उसके बाद ओशियन में मिलती थी, बट बिकॉज ऑफ द सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट द डिस्टेंस ऑफ द रिवर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। अब ये रिवर्स यहाँ तक ही फ्लो करती हैं तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट की रिवर्स हैं वो थोड़ा सा ही डिस्टेंस ट्रेवल करके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। सो फर्स्ट रीजन इज सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न घाट बिलो द सी लेवल, जिसने ये सिमेट्रिकल पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया। और दूसरा था जो हिमालयस का अपलिफ्टमेंट, जिसकी वजह से जो विंध्यास हैं उनका नॉर्दर्न स्लोप का टिल्ट मोर हो गया था टॉवर्ड्स द नॉर्थ। एंड जो रिवर है नर्मदा और तापी, जो आपको पता है कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ये रिफ्ट वैली है जिसके बीच में ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो इस अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस की वजह से ये जो रिफ्ट वैली है वो और ज्यादा डीप हो गई। सो सेकेंड रीजन इज अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस एंड डीपनिंग ऑफ रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी। तीसरा रीजन है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम इज स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ये जो पेनिनसुला ब्लॉक है ये थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ टिल्ट हो गया, यहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ पेनिनसुला ब्लॉक टिल्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनका फ्लो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की तरफ हो गया। सो द थर्ड रीजन इज स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, जिसकी वजह से जो आज हम ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं पेनिनसुला रीजन का वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे जो वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न साइड की रिवर है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके ही और स्टीप स्लोप से होते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, तो उनका जो रफ्तार है जो स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है। जबकि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इंडिया की जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वो कंपेरेटिवली प्लेन्स में ट्रेवल करती हैं और स्लो स्पीड से, तो और अपने साथ डिपोजिशन करती हैं सेडिमेंट्स के। ये रीजन था पेनिनसुला ब्लॉक का ड्रेनेज सिस्टम का ओरिजिन को लेकर। सो इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मेजर इवेंट्स। पहला सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट बिलो द सी लेवल विच डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम। दूसरा अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस विच कॉज द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ विंध्यास टू टिल्ट मोर टावर्ड्स नॉर्थ एंड डीपनिंग ऑफ रिफ्ट वैलीज ऑफ नर्मदा एंड तापी। और तीसरा रीजन है स्लाइट टिल्टिंग ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस द पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम गॉट इवॉल्व। अब समझते हैं इस हिमालयन और पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताया जो हिमालयन रिवर्स है वो हिमालयस में ओरिजिनेट हुई हैं, जबकि जो पेनिनसुला रिवर है पेनिनसुला ब्लॉक में ओरिजिनेट हुई हैं। दीज हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स एज दे आर फेड बाय ग्लेशियर्स, तो इनमें कंटिन्यूस पूरी साल भर पानी बहता रहता है, जबकि जो पेनिनसुला रिवर्स हैं वो सीजनल हैं क्योंकि द पेनिनसुला रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। सो जब सूखा रहता है समर्स के टाइम ये रिवर्स सूख जाती हैं, सो दे आर सीजनल रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स पेरिनियल हैं, ये सीजनल हैं क्योंकि हिमालयन रिवर्स वाटर ऑब्टेन फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स, जबकि यहाँ पे ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका जो बेसिन है दे हैव लार्जर बेसिन, वाइल द पेनिनसुला रिवर्स हैज स्मॉलर बेसिन एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स।
जो पेनिनसुला रिवर्स है उनका कैचमेंट एरिया बेसिन वो कम है, और आपको हिमालयन रिवर्स यूथ स्टेज में देखने को मिलेंगी, जबकि पेनिनसुला रिवर्स आर ओल्ड रिवर्स, और ये जो पेनिनसुला रिवर्स हैं दे आर इन मेच्योर स्टेज एंड हैव लो मीएंडरिंग, जबकि हिमालयन रिवर्स यूथ स्टेज में है, जिसकी वजह से हिमालयन रिवर्स वी शेप्ड वैलीज का भी फॉर्मेशन करती हैं, और जो पेनिनसुला रिवर्स हैं वो वैली फॉर्म करेंगी, तो दे आर शेलो वैलीज। सो हम कह सकते हैं कि हिमालयन रिवर्स आर डोमिनेटेड बाय यूथ स्टेज व्हाइल द पेनिनसुला रिवर्स आर डोमिनेटेड बाय मेच्योर एंड ओल्ड स्टेज। और जो हिमालयन रिवर्स है उनका जो पैटर्न है वो डेंड्रेटिक पैटर्न है, अभी हम पैटर्न को भी समझेंगे रिवर के फ्लो का, जबकि जो पेनिनसुला रिवर्स हैं वो वेरियस पैटर्न शो करती हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस एटसेट्रा। सो पेनिनसुला रिवर्स शो केस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स लाइक रेक्टेंगुलर, ट्रेलिस पैटर्न एटसेट्रा, जबकि हिमालयन रिवर्स मेनली डेंड्रेटिक पैटर्न देखने को मिलती हैं। सो ये कुछ डिफरेंस थे हिमालयन और पेनिनसुला रिवर के बीच में। चलिए अब देखते हैं भारत के ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? द फ्लो ऑफ रिवर इज नोन एज ड्रेनेज पैटर्न। सबसे पहले डेंड्रेटिक पैटर्न आता है। डेंड्रेटिक पैटर्न होता है बेसिकली ऐसा लगता है कि जो ट्री है उसकी ब्रांचेस हैं, जैसे ऐसे अलग अलग रिवर्स मिल रही हैं, यहाँ पे अलग अलग रिवर्स मिल रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डेंड्रेटिक पैटर्न। आपने जो हिमालयन रिवर्स है जैसे गंगा, गंगा में आप डेंड्रेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको, तो जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि गंगा रिवर ये फ्लो करती हुई आ रही है जिसमें वेरियस रिवर्स मिल रही हैं। सो इट रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ ट्रीज, या लीव की तरह भी आप देख सकते हैं कि लीव में जो ऐसे 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 जो डिफरेंट ब्रांचेस मिलती हैं, तो इट रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ ट्री और लीव्स, सो इट इज नोन एज डेंड्रेटिक पैटर्न। तो पहला डेंड्रेटिक पैटर्न है जहाँ पे क्या होता है कि रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज प्लेन एरिया में फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से वो डेंस नेटवर्क क्रिएट कर लेती हैं और ऐसा लगता है कि ब्रांच है ट्री की या लीफ की। सो दिस इज डेंड्रेटिक पैटर्न। जैसे गंगा है एग्जाम्पल ऑफ डेंड्रेटिक पैटर्न, ब्रह्मपुत्रा है, यमुना है, तो ये डेंड्रेटिक पैटर्न का एग्जाम्पल है। फिर आता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, एक हाई एलिवेटेड एरिया होता है वहां से रिवर्स फ्लो कर रही हैं, सो इट इज रेडियल पैटर्न। जैसे अमरकंटक से नर्मदा और सोन फ्लो करती हैं, सोन अलग डायरेक्शन में जाती है, नर्मदा अलग डायरेक्शन में जाती है। सो ये एग्जाम्पल है रेडियल पैटर्न का, कि मतलब एक हाई एलिवेटेड माउंटेन या हाईलैंड से रिवर्स फ्लो कर रही हैं। सो ये है रेडियल पैटर्न। तीसरा है ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि रिफ्ट वैली में एक रिवर फ्लो कर रही होती है और उसमें वेरियस उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलती रहती हैं, जैसे नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और उससे उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेलिस पैटर्न। फिर आता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न ऐसी जगह में देखने को मिलता है जहाँ पे जो रॉक्स हैं वो हार्ड हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल कंट्रोल है रिवर्स पे वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जहाँ पे मतलब हार्ड रॉक्स आ जाते हैं देन रिवर टेक शार्प राइट टर्न्स। तो जैसे आपको महानदी और गोदावरी, कृष्णा, ये कुछ रिवर्स हैं जहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी, फिर एकदम से उसने राइट टर्न ले लिया यहाँ, देन यहाँ, फिर यहाँ। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। फिर आता है इरेगुलर, कैसे भी रिवर फ्लो कर रही है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पैटर्न। सो चलिए देखते हैं रिवर पैटर्न को। सो सबसे पहले डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। व्हेन द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू अ प्लेन एरिया एंड डेवलप अ डेंस नेटवर्क, तो ये है डेंड्रेटिक पैटर्न। इट अपीयर्स लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री और लीफ, एंड डेंड्रेटिक पैटर्न क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रक्चरल कंट्रोल ऑफ लैंड ओवर द रिवर फ्लो, जैसे गंगा, इंडस, यमुना, ये सब एग्जाम्पल है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न के। फिर रेक्टेंगुलर रिवर पैटर्न में द रिवर टेक शार्प राइट टर्न वाइल फ्लोइंग थ्रू ब्लेट्यू रीजन्स एंड द लैंड एग्जर्ट हाई स्ट्रक्चरल कंट्रोल, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये रेक्टेंगुलर पैटर्न का एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारा ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस इन दिस मेन रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैलीज और उसकी ट्रिब्यूटरीज उसको राइट एंगल पर मिलती जाती हैं, जैसे नर्मदा और तापी एग्जाम्पल हैं ट्रेलिस पैटर्न के। फिर रेडियल पैटर्न। ये रेडियल पैटर्न में क्या होता है कि हाईलैंड या माउंटेन से रिवर फ्लो करती हैं, सो डिफरेंट रिवर्स ओरिजिनेटिंग एंड फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलोंग हाईलैंड और माउंटेन्स,
जैसे नर्मदा एंड सोन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पे है, अनूपपुर मध्य प्रदेश। और पांचवा ड्रेनेज पैटर्न है पैरेलल रेंज। यहाँ पे क्या होता है, जब रिवर्स एंटर करती है ओशन में, तब आपने देखा होगा कि रिवर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और पैरेलल जाती हुई समुद्र में मिल जाती है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल रेंज। द रिवर्स आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर बिफोर एंटरिंग द ओशन। जैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट जब वो ओशन में एंटर करती हैं, उससे पहले जो डेल्टा फॉर्मेशन जब करती हैं, तो बेसिकली वो एग्जाम्पल है पैरेलल रेंज का। तो दोस्तों ये थी ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्लास। आज की क्लास में हमने इवोल्यूशन देख लिया हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में डिफरेंस देख लिया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट रिवर्स को, जैसे इंडस से स्टार्ट करेंगे, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर आएंगे हम पेनिनसुलर रिवर्स पे, जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन सब रिवर्स के बारे में आगे की क्लास में हम धीरे धीरे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इनका क्या क्या महत्व है, धार्मिक महत्व भी देखेंगे। जैसे गंगा, आपको पता है इट इज अ सेक्रेट रिवर एंड इन हिंदुइज्म इट इज वर्शिप्ड लाइक अ गॉडेस। सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। पढ़ते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक आईएएस। थैंक यू।